के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई वृहद वृक्षारोपण अभियान के लिए गड्ढा खुदाई एवं निःशुल्क पौध उपलब्धता की समीक्षा बैठक। डीएम ने कहा 7 अगस्त तक अवश्य कर लें गड्ढों की खुदाई ताकि 9 अगस्त को सफल हो सके वृक्षारोपण का महाअभियान। होंडा कार में तस्करी कर ले जा रहे 500 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब को तिवारीपुर पुलिस ने किया बरामद। एसएसपी ने कहा जारी रहेगा कच्ची शराब के खिलाफ अभियान। सेंट एंड्रयूज कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना की महिला इकाई और कॉलेज की महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुई कार्यशाला। बालिका एवं महिलाओं की सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक। गोरखनाथ मंदिर में हो रहा है प्रसाद के जल का संरक्षण। द्वारिका तिवारी ने कहा सभी लोगों को करना चाहिए जल का संरक्षण। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला सैनिक बंधुओं की बैठक। भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में शहर के विभिन्न टैक्सी स्टैंडों पर नियम विरुद्ध ऑटो और चार पहिया वाहनों के खिलाफ चलाया गया अभियान। ऑटो और मैजिक का किया गया चालान। रिजर्व पुलिस लाइन में आरटीसी में ट्रेनिंग ले रही प्रशिक्षु महिला आर्चियों को एसएसपी ने पढ़ाया कर्तव्य निष्ठा का पाठ। कहा पुलिसिंग के साथ अपनाए व्यवहारिक ज्ञान। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने दलित बस्तियों में जाकर जाना सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत। घर घर जाकर लोगों की से की बातचीत कांग्रेसियों ने। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रेती रमण पांडे की 15वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। दी गई श्रद्धांजलि।